फल झोली में वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को पूरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को पूरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप लाख ख्वाहिश कर ले, लाख दिल में ये सोच ले कि मेरा बच्चा भी कमाल हासिल करे, मेरा बच्चा भी मुझे पढ़कर सुनाए। सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको ऐसे मकातिब, ऐसे मदारिस में भेजना होगा और उन्हें दीनी तालीम पढ़ाना होगा, तब वो आपकी तर्जमानी कर सकते, आपके सामने दीन की बातें बता सकते हैं, सुना सकते हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ा ये मौका दिया है कि हमारे गांव में हजरत कारी शहाबुद्दीन साहब की मेहनत और कोशिश से एक मकतब का क़याम सामने आया है। अल्लाह करे इसको कुबूलियत से नवाजे,
और इस बस्ती के लिए रहमत और बरकत का जरिया बने। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक ऐलान कर देना मुनासिब समझता हूं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम ही बच्चों को कारी कैसुज़्ज़मा, डॉक्टर फिसाल साहब और मदरसे की जानिब से इनामात का इंतजाम किया गया है। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद हजरत सदर मुहतरम के हाथों इन बच्चों को इनाम से नवाजा जाएगा। इसलिए जिस इत्मीनान और सुकून के साथ अब तक आप बैठे इसी तरीके से बैठे रहे और मुझे अल्लाह की जात से ये उम्मीद कि इंशाअल्लाह जिस सुकून और इत्मीनान के साथ आप यहाँ पर बैठे हुए हैं इसी तरीके से बैठे रहेंगे और अपने उलमा इकराम के बयान से मुस्तफीद होंगे। अब मैं तकरीर के लिए एक छोटी सी बच्ची अलीमा खातून बिनते मोहम्मद मुस्तकीम साहब को सकीम साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर से हम तमाम सामईन को मुस्तफीद फरमा।